बहुत फनी चीज है ये कि एक इनिंग से कह सकते हो कि चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो सकती हैं। अभी दो साल तक हम ने हमेशा 20 विकेट लिए हैं, जब से मैं भूम और शामी खेल रहे हैं, इवन अश्विन हो या जड्डू, चाहे हम इंडिया में खेले हैं अब्रॉड खेले, एक इनिंग से वो परसेप्शन जो चेंज होती है वो मुझे समझ में नहीं आता। ऐसा क्यों होता है कि क्यों एक इनिंग के बाद लोग क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं? बूम की क्वालिटी पे मेरे को लगता नहीं किसी को कोई शक होना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो एक्सेप्शनल बॉलर है और जो उसने जब से उसने डेब्यू किया है, जैसा उसने परफॉर्म किया उसके बाद से, जैसा उसने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट में नाम बनाया, तो उसके हिसाब से मेरे को लगता नहीं कि किसी को उसकी चीज पे कोई क्वेश्चन करना चाहिए। नो, इट की स्पेशलिटी रही है कि जब तक कि पूरा मैच खत्म नहीं होता हम गिव अप नहीं करते। हमारे हाथ में अपना हार्डवर्क करना है जो हम ग्राउंड में करते हैं, उसके अलावा रिजल्ट अपने आप फॉलो करते हैं। तो हम बात भी यही करते हैं कि आप ग्राउंड में हो, आप ग्राउंड में 100% दो, वो मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि आपका रिजल्ट क्या क्या नहीं है, क्योंकि अगर आप प्रोसेस 100% एफर्ट के साथ दोगे तो उसका कोई वो तोड़ ही नहीं है। एक्चुअली मैं आई एम नॉट हैप्पी, क्योंकि लास्ट दो दिन से मैं सोया नहीं हूँ। मैं स्ट्रगल कर रहा था आज भी काफ़ी, कि जैसी मैं बॉलिंग करना चाहता था वैसी हो नहीं पाई, बट टीम आस्क्ड मी टू प्ले सो आई प्लेड एंड एनीथिंग फॉर द टीम। The way you got injured during that match, you were in such a pain and you had to be carried out and delivered to your team. So in between, like, what went through and where, how confident were you that you can come back and play the test match considering the rehab period was very short? No, actually, first I need to say that all credit goes to NCAA support staff. You know, I think they worked really hard with me. Big thing was we never really thought about that I have to come and play a test match, because my MRI shows that I have a complete tear, ligament tear actually. Ek bhi nahi, do the. To uske baad se sabne bola ki ye to 6 hafte ke liye baat bahar hoga. To humne yahi socha ki apna jo kaam hai wo main karunga, jo main abhi tak karta aaya hu. To maine bhi wahan pe bhi apna rehab karta raha. हमने काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करी, कुछ दिमाग में नहीं था मेरे वहाँ पे कि मेरे को आके यहाँ पे टेस्ट मैच खेलना है या कुछ करना है, कि ठीक है कि अगर होगा तो खेलूँगा, नहीं होगा तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जिस वे में मैं एक्चुअली इंजर्ड हुआ वो मेरे को लगता नहीं कि किसी के साथ हुआ होगा। बट ये तो वही बात है कि इंजरी होनी होती है तो हो जाती है, आप टॉयलेट में चल रहे हो तो आप फिसल भी सकते हो, तो सेम थिंग है ये। सर एक घंटा करी थी एक्चुअली थोड़ा स्लो हो गया था विकेट, शुरू में थोड़ा टेनिस बॉल बाउंस था, बट बाद में काफ़ी जब हम बॉलिंग करने के लिए आए ज़्यादा कुछ सी मूवमेंट हो नहीं रहा था, तो और ऊपर से यहाँ पे अगर कोई पहली बार खेलता है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे जनरली आप यूज टू नहीं हो पाते विंड के, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर है। किसी को पता नहीं यहाँ पे कि आप जब अगेंस्ट द विंड डालने हैं तो आपको कैसी बॉलिंग करनी है, और जब आप विद द विंड डालनी है तो कैसी बॉलिंग करनी है, तो यही होम कंडीशंस होती हैं। तो ये अब ये हमने कोशिश करी कि उसको एक्सेप्ट करें और उसके अकॉर्डिंग बॉलिंग करें। और विकेट में मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा स्लो है, देखने में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ग्रीन है, बट थोड़ा टेनिस बॉल जैसा बाउंस है विकेट में। You bowled in the next close to 1.5 hours after the injury. Are you just at the stage of your career now that you know your body so well that just, you know, bowling for that, you can just say, yes, I'm right to go? Like, you just know your body that well? Yeah, before I came here, I think I test myself. So I bowled 21 overs actually in 2 days in Bangalore. So then I get to know, yes, I'm fit. So that's how I came, and then again I bowled 1.5 hours just to check myself that I'm all right, because after traveling for almost 24 hours,
you know, it was a big toll on the body. Ishant, do you have a number in mind? What would be a good score to defend on the surface? Good score. So that you would feel comfortable as a body? Sir, still it's a long way. Actually, just 2 days has been gone by now, and we don't really think about how much total we need to defend. We just go ball by ball, you know, day by day. So that is very important to be in present. Ishant, yesterday Kyle Jamieson looked like one of the more effective New Zealand bowlers, and today, you know, you kind of seemed to get a little more out of the pitch than the other. Was there something for the taller guys from your lateral length, or what was it? Yeah, I think obviously height matters in these kind of, you know, especially when you're playing New Zealand, Australia and South Africa. So obviously bounce matters a lot. But in this particular pitch, was there? No, I think everywhere you play, I think that's why, you know, they always ask for a tall bowler. Final one. Ishant, questions Indian fans ki taraf se. Pehle to acha comeback kiya aapne. Thank you. Aur aap hamesha se acha karte hain overseas conditions mein. So aapne bola ki aap khush nahi the apni bowling se aaj. Aur kya chahte the aap? Aur New Zealand conditions ke liye kuch naya try karne ke liye? Nahi, try nahi. Actually, जिस कंडीशन में मैं अपनी बॉडी से हैप्पी नहीं था, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं अपनी बॉलिंग से हैप्पी नहीं था, बट मैं अपनी बॉडी के साथ ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था मैं, कि कल मैं सिर्फ 40 मिनट सो पाया रात को, टू बी वेरी ऑनेस्ट. उससे एक दिन पहले मैं 3 घंटे सो पाया, तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था. तो यही चाहता था कि अगर आप जितना रिकवर करते हो तो उतना ज़्यादा आप एफर्ट दे पाते हो ग्राउंड में, क्योंकि सोने से अच्छी रिकवरी एक्चुअली कुछ नहीं है. तो अगर आप जितना अच्छा सोगे उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी बेटर रिस्पॉन्ड करती है ग्राउंड. कुछ स्पेशल न्यूजीलैंड कंडीशन के लिए? न्यूजीलैंड कंडीशन के लिए सर कोई कंडीशन हो, सोना बेस्ट है.